स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में आपने नाइन्थ और टेंथ क्लासेस में भी सुना होगा। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे। मोल कंसेप्ट समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ती हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, अटोमिक मास यूनिट, मोलर मास। तो इनसे स्टार्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मोल के ऊपर पहुंचेंगे। एक बार हम अपने माइंड में सिर्फ इतनी टर्म सेट करते हैं कि वन मोल की वैल्यू हमारे पास, एक साइंटिस्ट थे दैट इज नोन एज द एवोगाड्रो, उन्होंने हमारे पास टर्म दी थी कि वन मोल क्या होता है, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। एक मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। मीन्स पार्टिकल वो कुछ भी हो सकते हैं। लेट सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो वन मोल ऑफ मार्कर मीन्स 6.022 × 10²³ मार्कर्स। वन मोल ऑफ किसी भी चीज का रेफर कर देते हैं, वन मोल ऑफ मोबाइल, तो मीन्स 6.022 × 10²³ मोबाइल्स होंगे। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एक्सेट्रा, इनके लिए ये टर्म यूज की जाती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एटम। एटम क्या होता है, ये आपने पहले से किया हुआ है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक चौक का पीस है, तो किससे बना होता है चौक, वो आपको ही पता है, लेट कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम उसमें प्रेजेंट होता है, हम कैल्शियम मानकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस चौक के एलिमेंट में सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, दैट इज ऑफ कैल्शियम। मेरे पास कोई आयरन का एलिमेंट है, तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, दैट इज ऑफ आयरन, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Fe। तो ये हमारे पास क्या होता है, एटम। ये आपको पहले से ही नोन था। तो यहाँ पर हम स्पेशल क्या बात कर रहे हैं कि एटम मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज द मेन टर्म, कि जो एटम होता है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इन 99% केसेस हम कहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट हाइड्रोजन है, कैसे अक्कर होता है प्रैक्टिकली, दैट इज H2 गैस। हम H2 मींस H एटम की बात नहीं कर रहे, H डिपेंड अपॉन अदर H ज्वाइंट, अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। सिमिलरली O2, F2, Cl2, तो इनमें रिएक्टिविटी होने के कारण, मोस्ट ऑफ एटम्स आपको पता है रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव होने के कारण ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। हीलियम, नियोन, आर्गन, दीज आर द नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए हम ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम एटम के लिए डेफिनेशन क्या यूज करेंगे कि इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट अबाउट मॉलिक्यूल, इट इज आल्सो अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल, कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड को बनाने वाला स्मॉल पार्टिकल भी मॉलिक्यूल होता है। समटाइम्स बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एलिमेंट के अंदर एटम पाया जाता है, मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, बट इनफैक्ट एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। हाउ? बिकॉज जब हम इसकी अच्छी तरह से जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि चौक के अंदर जो कैल्शियम है वो सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट, वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अगर वो कंबाइंड है, दो जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं, इसमें आयरन, दो या तीन आयरन एक दूसरे से बाइंड अप हैं,
तो दे आर नॉट नाउ एटम. एटम जब एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल. तो एलिमेंट या कंपाउंड को बनाने वाले स्मॉल पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स. और स्पेशल जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं, इट ऑलवेज है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. दिस इज द मेन पॉइंट. मॉलिक्यूल्स ही लिखे थे तो इन सबकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. मान लेते हैं HO से ज्वाइन कर गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. HCl से ज्वाइन कर गया, HCl इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. H2SO4, SO2, SO3, मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है भी और नहीं भी, बट मॉलिक्यूल की ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल जो होता है दो टाइप का होता है. वन इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड इज हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. नाम से ही क्लियर है, आपके पास होमो शब्द हमेशा तब यूज किया जाएगा जब सेम टाइप हो और हेटरो डिफरेंट. तो अगर कल मॉलिक्यूल को बनाने वाले एटम सेम है, लाइक H2, N2, O2 सारे एक जैसे हैं, तो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज होमो एटॉमिक. इफ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक HCl, SO2, NO2, दे आर डिफरेंट टाइप, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो एटॉमिक एंड हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब हम बात करेंगे अबाउट द एटॉमिक मास. तो मास की मेजरमेंट के लिए आपको पता है किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, वन इज नंबर एंड सेकेंड इज यूनिट. मीन्स मान लेते हैं कि मैंने किसी भी चीज को मेजर किया, लेट सपोज शुगर को मेजर कर रहे हैं, तो आई से इट इज 2 kg, इट इज 3 kg, इट इज 4 kg. तो हमने दो चीजें यूज की, वन इज नंबर, सेकेंड इज यूनिट. तो यूनिट मस्ट है किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए. तो यहां पर मैंने क्या रेफर किया कि जो शुगर है वो kg. इट मीन्स जो शुगर है दैट इज 2 times ग्रेटर देन 1 kg, 2 times ग्रेटर देन 1 kg. तो ये kg क्या है, किलोग्राम, ऐसे तो कोई टर्म नहीं आई. तो किलोग्राम क्या है, इनफैक्ट हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वेदर फ्रांस या पेरिस में, एक इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर एयर टाइट जॉर में एक सिलेंडर प्रेजेंट है मेड अप ऑफ प्लेटिनम रिडियम मटेरियल. क्लियर. तो इसको वेट किया गया और उस वेट को उन्होंने नाम दे दिया कि इट इज 1 kg. इसके विद रिस्पेक्ट कैलकुलेशन की गई. अगर शुगर 2 kg है तो दैट इज 1 kg से 2 times हैवियर आ गई. अगर किसी का रेफर करें कि पोटैटोस को मेजर करवाया गया तो मान लेते हैं वो 4 kg है, मीन्स 4 times हैवियर देन 1 kg. 1 kg मीन्स इस सिलेंडर से वो 4 times हैवियर है. तो इट मीन्स हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है. तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, दैट इज यूनिट. तो वो यूनिट हमारे पास क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट. अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जैसे यहां पर सिलेंडर को अज्यूम किया गया, उसको एक स्टैंडर्ड लेकर बाकी सभी के मास को कैलकुलेट किया गया है, उसी तरह से ही एटॉमिक मास यूनिट में हमने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लेना है.
तो साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड लिया, उसमें कुछ कमियां पाई गई, तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड लिया, उसके कंपैरेटिव दूसरे एटम्स के मास को कैलकुलेट किया गया, परंतु उसमें भी कुछ कमियां थी, तो एट लास्ट के ऊपर उन्होंने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लिया और उसके विद रिस्पेक्ट मासेस को कैलकुलेट किया गया। तो कार्बन हमने ले लिया एज ए स्टैंडर्ड, तो कार्बन भी हमारे पास थ्री टाइप का होता है, आपको पता ही है थ्री आइसोटोप उसके होते हैं, दैट इज 12, 13 और 14। तो हमने याद रखना है कि हमने स्टैंडर्ड की फॉर्म में किसको लेना है, C12 को, कार्बन का मास जिसका 12 हो उसको एज ए स्टैंडर्ड लेना है। तो एटॉमिक मास यूनिट में हमने क्या करना है, व्हाट इज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक जी, तो ये हमारे पास आ गया AMU। और जब भी हमने किसी के मास को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम इसको यूज करेंगे। आपके पास डिफरेंट एटम्स के मास याद होने चाहिए, लेट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मैं फर्स्ट 5 रेफर कर रही हूं, तो इसका 1 AMU एटम की बात कर रहे हैं, इट इज 4, इट इज 7, इट इज 9, इट्स 11। तो ये हमारे पास एटम्स के मास रेफर किए गए हैं। तो इसमें लिखा क्या है हमने कि हीलियम जो है दैट इज 1 AMU से 4 टाइम्स हैवियर है, बेरिलियम जो है वो 1 AMU से 9 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ AMU हम एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एटॉमिक मास की डेफिनेशन को ही कवर करते हैं, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैवियर देन 1 AMU, या इसको परफेक्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम दैट इज C12। ये हमने अभी मेंशन किया है कि कोई भी एटम के मास को लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि वो 1 AMU से कितने टाइम्स हैवियर होता है, तो वो क्या आ जाएगा उसका एटॉमिक मास, हाउ मेनी टाइम्स अ गिवन एटम इज हैवियर देन 1 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द वैल्यू ऑफ 1 AMU। तो जब रिसर्च शुरू हुई थी उस समय तो इतने हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स या इतने इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं थे जिसके द्वारा हम कार्बन के मास की कैलकुलेशन कर सकते, लेकिन नाउडेज हमारे पास बहुत से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनमें से ही एक मेथड होता है दैट इज नोन एज द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके द्वारा कार्बन के मास को कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.99 × 10⁻²⁻²⁰ ग्राम्स, ये आपने याद रखनी है 1.99 × 10⁻²⁻²⁰ ग्राम। तो ये किसका मास आ गया, 1 एटम ऑफ कार्बन का। हमने निकालना है AMU, तो क्या रेफर करें, 1/12 द मास ऑफ
one atom of carbon. इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10 इज पावर माइनस 24 ग्राम. और जब आप दिस वन एवोगैड्रो नंबर जिसको एन ए कहते थे 6.022 इंटू 10 इज पावर 23 इसका जब इनवर्स लेते हैं तब भी हमारे पास यही वैल्यू आती है. सो मैं इसको क्या रेफर कर सकती हूँ 1/NA ग्राम्स. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 AMU. हमारे पास एक और मेथड है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1 AMU. तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं. दैट इज आपने माइंड में रखने हैं कि वन एटम ऑफ कार्बन हैज मास 12/1 mole grams. वन मोल जिसको हमने NA मेंशन किया था 6.022 इंटू 10 इज पावर 23 होता है. AMU 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन मीन्स 12/1 mole दैट इज 6.022 इंटू 10 इज पावर 23. तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/ दिस वैल्यू जिसको हम क्या रेफर कर सकते हैं 1/NA ग्राम्स. तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है मोलर मास. तो मोलर मास क्या होता है मोलर मीन्स मोल का मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं. लेट वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोलर मास ऑफ एटम. मोलर मास किसी भी एटम का कंसीडर कर लेते हैं. लेट ऑक्सीजन एटम का हमने कैलकुलेट करना है. वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करना है. राइट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम वन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज मास तो हमने क्या किया था दैट इज 16 AMU. एटॉमिक मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं इन AMU. अब हमारे पास है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. वन मोल मीन्स NA लिखते हम 6.022 इंटू 10 इज पावर 23 लिखने की जगह पर हम इसको शॉर्टकट में NA से रिप्रेजेंट कर देते हैं. NA एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 AMU इंटू NA. अब AMU का मीनिंग क्या था हमने दो मेथड से कैलकुलेट किया दैट इज 1/NA इंटू NA. ये किस में था हमारे पास ग्राम में. तो नेट हमारे पास क्या रह जाएगा 16 ग्राम. अब ये 16 ग्राम क्या आया हमारे पास मोलर मास. और इसी डिफरेंस को हमने माइंड में रखना है कि जो 16 AMU है ये क्या होता है दैट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को इसमें लिखते हैं AMU में.
और जो मोलर मास होता है उसको हम किस में लिखते हैं, इन सिंपल जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिट यूज होती है, दैट इज ग्राम, किलोग्राम, उस तरह से लिखा जाता है। तो ये मेन आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि एटॉमिक मास एएमयू में और मोलर मास ग्राम। मोलर मास आल्सो सेड एज ग्राम एटॉमिक मास मींस व्हेन एटॉमिक मास इज रिटन इन ग्राम्स, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। वैल्यू वही रहेगी, हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 amu, अब लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ग्राम। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है जो आपने माइंड में रखना है। कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, वैसे तो आपको सब में दिया होता है कि उसका मोलर मास क्या है। इफ यू इम्पोर्टेंट, जैसे ये सिल्वर इम्पोर्टेंट है तो इनका आपने याद भी रखना है कि इनका जो मोलर मास है कितना होता है 108 ग्राम, और हमने किसका पता करना है, वन एटम ऑफ सिल्वर का, तो वो किसमें कैलकुलेट करने हैं ये आपने दिमाग में रखने हैं कि इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है। तो वन मोल ऑफ सिल्वर एटम हैज मास दिस वन, राइट, ये हमारे पास वन मोल ऑफ सिल्वर एटम का मास दिया है बिकॉज ये इसका क्या है, मोलर मास। और हमने किसका पता करना है, वन एटम ऑफ सिल्वर का, तो कैसे करेंगे, 108 अपॉन मोल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 अपॉन दिस वन नंबर, इसको आप अपने आप कैलकुलेट करना, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो है 1.79 इंटू 10 इज पावर माइनस 22 आएगी। हमने यहां पर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन एएमयू रेफर किया है, यूनिट क्या है, एएमयू, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो किसमें है, ग्राम। नॉर्मली इफ दे आर नॉट राइटिंग हियर कि आपने किस यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो मींस आपने ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास मेथड होता है। अच्छा, हम करेंगे मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास क्या होता है, दैट इज जैसे हमने किया था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारे पास क्या मेंशन किया गया था, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज हैवियर देन 1 amu, उसी तरह मोलिकुलर मास भी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन amu। ये दिमाग में रखना कि एटॉमिक मास के समय भी कंपैरिजन किससे करते हैं, एएमयू से, मॉलिक्यूलर मास के समय भी कंपैरिजन किससे करना है, एएमयू से ही। इस समय आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने मॉलिक्यूल को मेंशन करना है और रेफर कर रहे हैं एएमयू, बिकॉज आपको कार्बन एज ए स्टैंडर्ड दिया गया है, उसका नाम आपने एएमयू रखा है, बट वी आर कंपेयरिंग विद वट, कार्बन, कार्बन स्टैंडर्ड है, इसलिए कार्बन के कंपैरिजन आपने जो मास रिप्रेजेंट करना है वो मोलिकुलर मास है।
तो डेफिनेशन वही रहेगी मॉलिक्यूलर मास की भी, जैसे हमने एटॉमिक मास की थी। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन मॉलिक्यूल हैवियर देन 1 AMU means 1/12 mass of 1 atom of carbon taken as 12। वही टर्म हम मेंशन करेंगे, वही यूनिट इसके भी आएंगे। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए AMU को बाद में U से भी रिप्रेजेंट किया गया, विच मीन्स क्या होता है, यूनिफाइड मास, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये एटम के लिए नहीं है। यूनिफाइड मतलब किसी के लिए भी, मॉलिक्यूल एटम किसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करना है, मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमने कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा, C प्लस जो इसके पैर में टर्म भी होती है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, लाइक दिस सी प्लस 2 times ऑफ ऑक्सीजन। तो C का मास हमने याद किया था 12 AMU, O का मास 16 AMU, कार्बन का मास 12 AMU और ऑक्सीजन का 32, तो यह हमारे पास बन गया 44 AMU। इसी प्रकार से वाटर, वाटर H2O, दैट मीन्स 2 times ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 time ऑफ ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट 2 × 1 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 × ऑक्सीजन मास, दैट इज 16, तो ये हमारे पास बन गया 18 AMU। इसको आप 18U मतलब यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 14U, 14 यूनिफाइड मास, यह हमारे पास CO2 का आएगा। समटाइम्स आपके पास रेफर कर दिया जाता है कि डॉट में टर्म रेफर की गई होती है, लेट एग्जांपल इज Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डॉट का मीनिंग ये नहीं समझना कि हमने नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स दी हैं हमने उनको सम अप ही करना होता है। और अगर कोई टर्म स्टार्टिंग में इस तरह से रेफर कर दिया कोई डिजिट, तो इट मींस ये जो चीज है ये 10 times प्रेजेंट है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 23 × 2 प्लस सी का मास 12, पैर में जो चीज दी हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई के लिए यूज करना है, तो 3 × 16 प्लस, इसको मैंने आपको बताया 10 times ऑफ H2O, H2O का मास आपको पता ही है, तो सीधा लिखते हैं दैट इज 18। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 46 प्लस 12 48 180। तो इन सबको आपने ऐड कर लेना है और आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, दैट इज 46 प्लस ये आपका 60 180, तो ये मेरे पास क्या बन गया 6, देन 10 और 8 और 286 इन AMU। तो इस तरह से हमने मास को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वही टर्म हमारे पास होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन द मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। दोबारा से वही टर्म आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। AMU को जब हम ग्राम में लिख देंगे, तो सिंपली मैं बता रही हूँ कि जब इस क्वांटिटी को हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास हमेशा हम ग्राम्स में रेफर करते हैं, AMU में नहीं,
मेंशन करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा, दोबारा मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मींस अगर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा 86 ग्राम, ये क्या है इसका मोलर मास, ग्राम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना मोलर मास कहलाता है, या ग्राम मोलिकुलर मास होगा। यू हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। कितने मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है? अब मीथेन मींस 1C4H 12 + 4 × 1 दैट इज 16। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो इसके साथ मैं क्या लिख दूंगी, मोलर मास है तो कैलकुलेशन में क्या लिख देंगे, 16 ग्राम। ये इसका क्या आ गया, मोलर मास। मोलर मास मींस 1 मोल का मास। तो दिस मच मोल्स ऑफ मीथेन का मास ये आ जाएगा, ये आपको पता ही है। कैलकुलेशन कहा गया है इसके लिए करने को, तो ये हम मेंशन कर देंगे, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि मोलिकुलर मास मोलर मास में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म विच इज नोन एज मोल। अब जो मोल की भी हमने डेफिनेशन देनी है वो किस तरह से देनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की आपको पता ही है जो मोल हम यूज करते हैं दैट इज यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो वी आर रेफरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज C12। डेफिनेशन हमने वेदर एटॉमिक मास की दी, हमने वेदर मोलर मास की दी या मोलिकुलर मास की दी, वी ऑलवेज यूज C12, ये याद रखना। सो मोलर मोल्स की जब भी आपने डेफिनेशन देनी है तो यही टर्म यूज करनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो क्या हो सकते हैं, दैट मे बी एटम आयन और मॉलिक्यूल। ऐसा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसके अलावा अगर आप सिंपल वे में फॉर न्यूमेरिकल यूज या सिंपली 1 मार्क्स में मेंशन करना चाहते हो तो 1 मोल मीन्स 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स। वाई? बिकॉज 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये है हमारे पास व्हाट इज मोल। अब हमारे पास है 3 फॉर्मूले हैं जिसको आपने अप्लाई करना है, यूज करना है। फर्स्ट फॉर्मूला कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन
एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। मोल का एक फार्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, ये आपको पता ही है, ये कांस्टेंट होता है। सेकेंड इसका फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर टर्म याद रखने हैं कि वो एटम की बात कर रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ एटम ओवर इट्स मोलर मास ऑफ एटम ही हो, या मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल ओवर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। इन दोनों टर्म्स में आप डिफरेंस माइंड में रखो कि एटम की बात करें तो एटम का मोलर मास आएगा, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल का मोलर मास आएगा। और एक और फार्मूला होता है दैट इज गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, जो कि एसटीपी के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कैलकुलेट किया गया होता है और उसकी वैल्यू 22.4 लीटर होती है, ये आपने याद रखना है। रेट मोल्स फॉर 34.2 ग्राम्स ऑफ C12H22O11, इसके मोल्स मैंने पता करने हैं। तो कैसे करेंगे? मोल का फार्मूला गिवन मास जो आपको दिया हुआ है अपॉन इट्स मोलर मास। मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपके पास इतना आ जाएगा। गिवन मास कितना है हमारे पास? दिस वन। मोलर मास कितना आ गया? दैट इज दिस। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/10, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गए? मोल। सिमिलरली लेट मोल नहीं कहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा है फॉर दिस 1 ग्राम ऑफ C12H22O11। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले वही करना है, मोल कैलकुलेट करनी है। जैसे आपके पास यहां पर मोल आ गई तो हमारे दूसरे फार्मूले को यूज करना है। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल वाई, बिकॉज मॉलिक्यूल लिखा है, एटम लिखा तो एटम लिख देते, अपॉन दिस 1 नंबर। तो मोल हमारे पास कितना आया था? 0.1। मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट करनी है, लेट एन सपोज कर लेते हैं, एन दिस इज, तो एन मेरे पास कितना आ गया? एज ए रिजल्ट ये हमारे पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल, बड़ी ही इजीली आप न्यूमेरिकल्स को इन फार्मूले को अप्लाई करके कर सकते हो। इन न्यूमेरिकल्स को बेटा अच्छी तरह से करो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर द एग्जाम्स एज वेल एज फॉर +1 +2 लेवल, या फर्दर भी कुछ भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हो किसी भी चैप्टर के, तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।